Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. Let's start our today's lecture. Aaj aapka jo lecture hai uska topic hai addition, subtraction and multiplication in Pentel number system. Humne pehle kaha tha ki Pentel number system kya hota hai, to usko humne define jo kiya tha ki system of numbers with base 5. System of numbers with base 5 is called Pentel number system. And in Pentel number systems, digits used are 0, 1, 2, 3, 4. And all of the numbers in Pentel number system or number system with base 5 are the combination of 0, 1, 2, 3, 4. So combination of these digits. Okay? Then we have seen that how to assign place values in the number system with base 5. Then we have seen that how to convert numbers from decimal to Pentel number system, and then finally हमने ये देखा था कि how to convert a number from Pentel number to decimal number system. अब हम ये देख रहे हैं कि Pentel number system के अंदर numbers को add कैसे करेंगे, subtract कैसे करेंगे, multiply कैसे करेंगे. ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से आप decimal में करते आए हैं या आपने binary में किया था, decimal में जो आप कर रहे थे उसमें क्यों आसान लग रहा होता है, बिकॉज वहां पे हम जीरो से लेके नाइन तक के तमाम डिजिट्स को यूज कर सकते हैं. सो वी आर अलाउड टू यूज डिजिट्स फ्रॉम जीरो टू नाइन इन डेसिमल. बाइनरी में रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है कि वी आर अलाउड टू यूज ओनली जीरो वन. और पेंटल में क्या रिस्ट्रिक्शंस है, यानी कि बेसिक आपका ऑपरेशन चेंज एडिशन वैसे होगी जैसे डेसिमल में हो रही थी. पॉइंट ये है कि पेंटल नंबर सिस्टम में जब कभी भी नंबर फाइव या उससे बड़ा आएगा, आप उसे रिड्यूस करके यानी कि बेस फाइव में कन्वर्ट करके लिखोगे. सो जब हम ऐड कर रहे होंगे, तो मैंने फिर लास्ट टाइम आपसे कहा था बाइनरी नंबर सिस्टम में भी कि जब हम दो या दो से ज्यादा टर्म्स को ऐड करें, फॉर एग्जांपल तीन टर्म्स को ऐड करें, तो सो इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ पार्शियल सम्स. इट्स बेटर कि हम दो दो टर्म्स को ऐड करें. ये प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आ सकता है, जब तीन या तीन से ज्यादा टर्म्स होंगी और आप ऐड करोगे एट वंस, आपने ऐड करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा. इट्स बेटर कि आप दो दो टर्म्स पे ऐड करो. समझ आ गई बात. ये एडिशन में भी ऐसे होगा और जब मल्टीप्लिकेशन में आप टर्म्स को ऐड करोगे तब भी ये वैसे ही होगा. जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो इन केस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, जब छोटी टर्म में से या छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस किया जाए, वी कैरी फ्रॉम द नेक्स्ट डिजिट और वो कैरी एक्चुअली सिस्टम की बेस आती है. यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हम कैरी ले रहे थे वो कैरी आता है 10, बाइनरी में वो कैरी आता था 2. तो पेंटल नंबर सिस्टम में यानी नंबर सिस्टम विद बेस 5 में वो कैरी आएगा 5. समझ आ गई बात. तो एडिशन करते हुए या सब्ट्रैक्शन करते हुए या मल्टीप्लिकेशन करते हुए जो चीज ज़ेहन में रहेगी, एडिशन करते हुए पॉइंट ये रहेगा कि नंबर जब भी 5 या उससे बड़ा आएगा तो हम रिड्यूस करके यानी उसे बेस 5 के डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 की कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट करके लिखेंगे. जब तीन या तीन से ज्यादा टर्म्स आ जाएंगी और एडिशन करनी होगी तो हम दो दो टर्म्स को यानी कि वी अगेन डू द आइडिया ऑफ पार्शियल सम्स. और जब सब्ट्रैक्शन कर रहे होंगे तो बड़ी टर्म में से जब छोटी टर्म में से बड़ी टर्म माइनस कर रहे होंगे तो हम साइड वाले से कैरी लेके आएंगे. एंड इन पेंटल नंबर सिस्टम वो जो आपका कैरी आएगा दैट विल बी 5. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4. सो 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज 2 टू बेस 5. सो 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स फर्स्ट पार्ट, 2 टू बेस 5 प्लस 3 बेस 5. सो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा, आप इसे लिखोगे 2 बेस 5 एंड 3 बेस 5. ओके, अच्छा अब क्योंकि बेस 5 में वी आर अलाउड टू यूज डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4. सो दीज आर डिजिट्स ऑनली अलाउड. तो इसका मतलब है जब 5 आएगा तो हम देख लें कि 5 को बेस 5 में कैसे लिखेंगे. 5 पे डिवाइड करके 10, तो मैं साइड लिख देता हूँ, जहां पे भी 5 आएगा आप उसकी जगह 01 बेस 5 लिख दो. इसके बाद 6 आएगा तो 6 की जगह आप देखो डिवाइड करके आप चेक कर लो, तो 6 में जब 5 डिवाइड करेंगे तो 1 आके 1 रिमाइंडर बचेगा. तो
तो दिस विल बी वन वन बेस फाइव. इसी तरह से सेवन जब आएगा दिस विल बी वन टू बेस फाइव. जब एट आएगा दिस विल बी वन थ्री बेस फाइव. जब नाइन आएगा विल बी वन फोर बेस फाइव. तो अब इस तरह से अब इसको एटलीस्ट इतने आपको बताऊं कि फाइव सिक्स सेवन एट नाइन में आपके पास बेस फाइव में कन्वर्ट होकर आंसर क्या आएंगे. ठीक है, तो जब मैं टू प्लस थ्री करूंगा बिकॉज इसको एड करना, तो टू प्लस थ्री करूंगा आंसर फाइव आएगा. एंड फाइव के कोरिस्पॉन्डिंग हम जीरो लिख के वन को यहाँ पे कैरी ले आएंगे. और फिर टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स के कोरिस्पॉन्डिंग वन वन, और ये आपके पास बेस फाइव में इसका आंसर है. ठीक है, तो सिंपल इज दैट कि हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, एक ही बात की है कि एड करते हुए जहां नंबर फाइव या फाइव से बड़ा आया उसको हमने कन्वर्ट करके बेस फाइव के कोरिस्पॉन्डिंग लिख दिया. ठीक है, let's see its third part. So third part is 4 4 4 4 4 4 base 5 plus 1 1 1 base 5 1 1 1 base 5. Okay, so जब add करेंगे 4 plus 1 5, 5 को 0 लिख के 1 आगे, 4 plus 1, 5, 5 plus 1, 6, 6 के लिए 1 लिख के 1 आगे, 4 plus 1, 5 plus 1, 6, तो 6 के लिए 1, 1 base 5. So, आपका आंसर आ जाएगा 1, 1, 1, 0 base 5. Sure? Okay. Now, let's see its fifth part. So, fifth part is 3, 2, 0, 4. 3, 2, 0, 4. Base 5 plus 2 3 2 4 2 3 2 4 base 5. So जब आप इसे add करोगे तो 4 plus 4 8, so 8 के corresponding 3 1 3 लिख के 1 यहाँ पे carry. So 1 plus 2 this is 3, 2 plus 3 5, 0 लिख के 1 carry. And 3 plus 1, 4 plus 2, 6, 6 के लिए आप इसे 1, 1, तो ये आपका स्पेस 5 में आपका देगा 1, 1, जो आपका फिफ्थ पार्ट है, इसमें एक्चुअली अब इसका सम आपका आएगा, इसके साथ सम आएगा, डबल 2, 0, 3, फिफ्थ पार्ट है, अब देखो तो तीन टर्म्स है, अब इसके साथ डबल 2, 0, 3, सो यहाँ पे डबल 2, 0, 3, बेस 5. इसमें आप फर्दर ऐड करो तो 3 प्लस 3, आई एम श्योर यहाँ से नीचे विजिबल नहीं है, तो मैं इसको यू कर देता हूँ, इसका सम यहाँ आगे लिख देता हूँ. दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6, 6 से लेगा 1 लिख के 1 यहाँ पे कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 0 दिस इज 4, नेक्स्ट इज 0 प्लस 2 दिस इज 2, 2 प्लस 1 दिस इज 3 एंड 1 एज इट इज. So final answer is 1 3 2 4 1 base 5. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि जब हम पेंटल नंबर सिस्टम यानी कि नंबर सिस्टम में बेस 5 में एडिशन कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं. बट पॉइंट इज कि जहां पे कहीं 5 या 5 से बड़ा नंबर आ रहा है तो हम उसे बेस 5 में कन्वर्ट करके लिखते हैं. और दूसरी टेक्निक क्या यूज की है, फिफ्थ पार्ट में आपको तीन टर्म्स ऐड करने की. तो हमने क्या किया, हमने पहले फर्स्ट टर्म का सम लिया सेकंड के साथ और उसका जो आंसर आया उसका सम ले लिया थर्ड टर्म के साथ. सो वी कॉल दिस एज पार्शियल सम्स, यानी पहले दो टर्म्स का सम और उसको फिर ऐड कर दिया थर्ड टर्म के साथ, तो आपके पास पूरे उसका आंसर आया. ठीक है, ओके. अब इसका सेवंथ पार्ट देखो, यहाँ पे इस पहले क्वेश्चन के अंदर एडिशन भी है और पहले क्वेश्चन के अंदर आपकी सब्ट्रैक्शन भी है. नाउ सी इट्स सेवंथ पार्ट. सेवेंथ पार्ट है, सेवेंथ पार्ट इज 1302. सेवेंथ पार्ट 1302 बेस 5 माइनस 1301
बेस 5। अब जब माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 दिस इज 1, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 3 1, माइनस 1 ये तो बहुत आराम से सॉल्व हो गया। लेट्स सी इट्स 8th पार्ट। तो 8th पार्ट क्या है? 8th पार्ट को पहले देखो तो इस तरह से है 4 1 1 1 बेस 5 माइनस और ब्रैकेट के अंदर है 2110 बेस 5 प्लस 1002 बेस 5। तो अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। सॉल्यूशन जब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2110 बेस 5 और इसमें ऐड हो जाएगा 1002 बेस 5 और ऐड करने के बाद ये 2 1 plus 0 1 1 और ये 3। Now ये base 5। अब इसको मैं यहाँ आगे ले जाता हूँ। Now 4 1 1 1 base 5 minus इन दोनों का सम जो कि आंसर क्या है 3112। So 3112 base 5। Sure? Okay। अब जब इसे minus करेंगे तो अब देखो 1 is less than 2। तो 1 में से 2 minus करेंगे हमें 7 से carry लेना पड़ेगा। वो जो कैरी हम लेके जाएंगे यहाँ तो 5 जाएगा और इधर 0 बच जाएगा। तो 5 माइनस 2 दिस इज 3। अब ये 0 माइनस 1 करेंगे फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। आप साइड से फिर कैरी लेके जाओ तो यहाँ 5 जाएगा और इधर 0 बच जाएगा। नाउ 5 माइनस 1 ये पहले वाला उसको दोबारा ट्राई कर लो। ये 5 जब इसके साथ गया तो ऑलरेडी ये 1 था तो 5 प्लस 6 6 माइनस 2 करेंगे तो this will be 4। यहाँ 5 minus 1 करेंगे तो 4। next इधर अब फिर 0 है तो यहाँ से आप लेके जाओगे यहाँ 5 जाएगा और इधर आपके पास 3 बच जाएगा। अब 5 minus 1 4 और 3 minus 1 3 minus 3 ये 0 तो ये बन गया आपके पास 0 4 base 5। ठीक है, मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में प्लस भी है माइनस भी है तो इन दो टर्म्स के दरमियान प्लस है जो कि ब्रैकेट में है। आपने पहले इन दो को सॉल्व किया आंसर आया 3112 3112 बेस 5 और इसमें से ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है दिस माइनस सम यानी 4111 बेस 5 माइनस 3112 बेस 5 और इसको माइनस किया था तो बस आंसर बना। और देखो यहाँ माइनस करते हुए क्या टेक्निक हमने फॉलो की है कि जब छोटे नंबर में से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो साइड से हम कैरी लेके आ रहे हैं एंड इन दिस केस आपका कैरी क्या है मल्टीप्लाई बाय 41 बेस 5। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करोगे पहले 1 के साथ तो दिस बिकम्स 22 मल्टीप्लाई बाय 4 के साथ 4 2 8 और 8 की जगह आप देखोगे 31 आगे सो 3 और 1 आगे कैरी 4 2 8 प्लस 1 9 और 9 की जगह आप देखोगे 41 और इन दोनों को ऐड करो तो 2 एज इट इज 3 प्लस 2 5 0 लिख के 1 आगे 4 plus 1, 5, 0 लिख के 1 आगे और 1 plus 1, 2. So the answer is 2002 base 5. So quite simple. Okay? इसका आप second part देखो. So second part is 341 base 5 multiply by 124 base 5. अब आप इसको बड़े एहतियात के साथ करोगे 4 को मल्टीप्लाई करना 4 1 4 4 4 16 और अब आप देखो 16 को जब आप कन्वर्ट करके देखोगे तो 16 क्या आएगा ये 5 पे 3 टाइम्स 15 द 1 यानी कि 31 बेस 5 तो 1 लिख के 3 आगे कैरी 4 3 12 12 प्लस 3 करेंगे तो 15 और 15 इज एक्चुअली आप देख लो 15 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स 0 यानी 0 ये आ जाएगा आपके पास 4 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है,
अब ये पहला वाला क्लास, अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार 2, 4 2 जार 8, 8 की जगह 3 1 अब ये कैरी, एंड 2 3 जार 6 प्लस 1 7 और 7 की जगह 2 1। अब ये दो क्लास के बाद 1 के साथ आएगा तो इस विल बी 3 4 1 1 4 3, ये आपके पास अब तीन टर्म्स का सम है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इन रफली इन दो टर्म्स का पहले सम लो, ये ऊपर वाले दो टर्म्स का पहले सम लो, 3014, सो 3014 इज 5 और इसमें आप प्लस कर दो 2321, इधर से आते हो पहले वाला क्लास है 232321, ओके, सो ये 4 एज इट इज 2 प्लस 1 3, 3 एज इट इज 3 प्लस 2 501 एंड 1 प्लस 1। अब ये जो आपके पास सम आ गया दो क्लास के बाद, इसमें ऐड कर दो 143, तो 143 ये क्या देगा 4 3 3 प्लस 1 4, ये 4 और 3 प्लस 2 5 देगा 104434। सो आंसर क्या आ जाएगा 104434 डेज 5। तो आप देखो इसमें कोई इस तरह की अनोखी चीज नहीं है, जैसे हमने क्या किया, जब तीन टर्म्स का सम आया तो हमने दो टर्म्स के साथ इसको दो दो टर्म्स करके ये बेसिकली इसके लिए मैंने रफ वर्क किया, साइड पे किया, और आपके लिए मैंने इसको सिर्फ ये चीज स्ट्रेट किया, इसका सीधा आंसर लिखता है, ठीक है। एंड लेट्स सी फॉर एग्जांपल इट्स लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट व्हिच इज 340 मल्टीप्लाई बाय 1485। तो 400 4 4s are 16, 16 को 1 लिखे 3 करी, 4 3s are 12 और 12 plus 3 15, 15 के लिए आपका ये 30 आ गया, ठीक है। और फिर 1 के साथ करोगे तो 0 4 3, अब आपने ऐड करोगे 0 as it is, 1 as it is, 4 as it is, 3 plus 3 6, 6 को आप लोगे 1 1 and final answer is 11410 base 5, ठीक है। तो इस तरह से आपने सीख लिया कि बेस 5 में एडिशन कैसे करेंगे, बेस 5 में मल्टीप्लाई सबट्रैक्शन कैसे करेंगे और बेस 5 में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। मैं सारे लेक्चर को रिकैप्चुलेट कर रहा हूं कि हमने बेस 5 के लिए क्या कहा था, हमने बेस 5 के लिए कहा था कि सिस्टम ऑफ नंबर्स विद बेस 5 इज कॉल्ड पेंटल नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स जिनका पिछला लेक्चर मिस हो गया था, फॉर एग्जाम्पल वो लेक्चर में नहीं थे, वो यहाँ से इसको फिर रिवाइज कर सकते हैं कि पेंटल नंबर सिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ नंबर विद बेस 5। जब बेस 5 है तो इसमें डिजिट्स यूज होंगे 0 1 2 3 4, समझ आ गई बात। बाकी जो भी नंबर्स हैं पेंटल नंबर सिस्टम के अंदर, देयर विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ दीस डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 4, समझ आ गई बात। फिर जब हमने इस सिस्टम के अंदर डिजिट्स को, यानी कि किसी भी नंबर के डिजिट्स को प्लेस वैल्यूज असाइन की, तो हमने राइट से लेफ्ट इस सिस्टम की जो बेस है उसकी पावर 0, यानी 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2 एंड सो ऑन, उसको बेस वैल्यूज दी और उनको वर्डिंग में लिख लिया। देन हमने शुरू में ही कहा था कि जब जैसे बेस 2 को बेस 10 के साथ कंपेयर किया, तो यूं बेस 5 को बेस 10 से कंपेयर किया, तो हमने कहा अगर नंबर डेसिमल सिस्टम में गिवन हो तो उसे पेंटल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका आंसर था कि 5 पे डिवाइड करते जाएंगे और फाइनली जो सेट ऑफ रिमाइंडर होगा उसको लिख लेंगे। और जब पेंटल नंबर सिस्टम से आप डेसिमल नंबर सिस्टम में जाओगे तो हर डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू असाइन करना है, दिस इज फर्स्ट टास्क, देन डिजिट मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस वैल्यू प्लस नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस वैल्यू प्लस नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय इट्स प्लेस वैल्यू, कीप ऑन डूइंग दिस, ठीक है। इस तरह से आप डेसिमल नंबर को पेंटल में और पेंटल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज फिर हमने देखा कि इस सिस्टम के अंदर नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, यानी पेंटल नंबर सिस्टम के अंदर नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो अपने आप को आपने इजी जोन में रखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल वैसी है जैसे आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में थी। पॉइंट ये है कि यहाँ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डिजिट्स है, जब भी आपका नंबर जो है वो 5 या उससे बड़ा होगा आप उसे 5 पे डिवाइड करके सेट ऑफ रिमाइंडर्स, इसके लिए मैंने आपको साइड पे क्या दिया,
आप इसको बेस 5 में कन्वर्ट करके लिख देंगे। और अगर आपके नंबर्स 3 यानी 3 या 3 से ज्यादा आपने नंबर्स को ऐड करना बेस 5 के अंदर, तो कीप ऑन डूइंग पार्शियल सम्स, यानी पहली दो टर्म्स उसका जो आंसर है प्लस थर्ड टर्म उसका जो आंसर है प्लस फोर्थ टर्म एंड जितनी भी टर्म होंगी आप इस तरह से ऐड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप सबट्रैक्शन का नंबर आया, उस सबट्रैक्शन में प्रॉब्लम आता है जब छोटी टर्म में से बड़ा माइनस करते हैं, तो उसके लिए आपको साइड से कैरी लेना पड़ता है। एंड इन बेस 5 आप जो कैरी लेंगे दैट कैरी विल बी द बेस ऑफ द सिस्टम, यानी कि आप साइड से जो कैरी लेते हो वो 5 होगा। हमने उसके कोरस्पोंडिंग क्वेश्चन भी कर लिए एग्जांपल्स के लिए, ठीक है। देन जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में आपकी जब दो टर्म्स आएंगी तो दो टर्म्स को ऐड करना बहुत आसान होता है, जब तीन या तीन से ज्यादा टर्म्स आएंगी तो अगेन आप क्या करोगे, अगेन आप इस तरह से दो टर्म्स को ऐड करके उसका सम तीसरी टर्म को ऐड करोगे, ठीक है। समझ आ गई बात? तो यहाँ तक आपने बाइनरी नंबर सिस्टम को भी कंप्लीट कर लिया, पेंटल नंबर सिस्टम को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा ऑक्टल नंबर सिस्टम, जो कि हम अगले लेक्चर में, जो आपको होपफुली थर्सडे को जो लेक्चर होना है उसमें हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ कि ऑक्टल नंबर सिस्टम विल बी द सिस्टम ऑफ नंबर्स विद बेस 8। जब बेस 8 होगी तो कंपेयर करो, बेस 2 थी तो डिजिट 0 1, बेस 5 थी तो डिजिट 0 1 2 3 4, तो बेस 8 होगी तो डिजिट होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। सो ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम डिजिट्स जो यूज करेंगे वो डिजिट्स होंगे 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स, और बाकी जितने नंबर्स होंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम में वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डिजिट्स आ जाएंगे, यानी 0 से लेके 7 तक की कॉम्बिनेशन के डिजिट्स आएंगे, ठीक है। फिर जब हम वहां पे भी हम प्लेस वैल्यूज असाइन करेंगे तो 7, 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2 एंड सो ऑन। फिर हम जब डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे तो 8 पे डिवाइड करके सेट ऑफ रिमाइंडर्स लिखेंगे, ऑक्टल से डेसिमल में जाएंगे तो हर नंबर को डिजिट वाइज उसकी प्लेस वैल्यू देके नंबर डिजिट मल्टीप्लाई बाय प्लेस वैल्यू प्लस डिजिट मल्टीप्लाई बाय प्लेस वैल्यू एंड कीप ऑन डूइंग दिस। और फाइनली जब ऐड सबट्रैक्ट को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो जब भी नंबर 8 या 8 से बड़ा आएगा तो हम उसको 8 पे डिवाइड करके उसके कोरस्पोंडिंग लिखेंगे, जब सबट्रैक्ट करेंगे छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो कैरी लेके आना पड़ेगा, तो वो कैरी लेके जो आएंगे प्लेस 8 में वो 8 होगा, और जब 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स को ऐड करेंगे अगेन विल डू द आइडिया ऑफ पार्शियल सम्स, ठीक है। और इसके बाद इस चैप्टर का एंड होगा जहां पे वो आपसे, अभी तो आपने कहा बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या पेंटल को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी, डेसिमल को पेंटल में, फिर आप देखेंगे ऑक्टल को डेसिमल में या डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद जो आपका फाइनल एक्सरसाइज आएगी उसमें वो आपसे बाइनरी को डेसिमल, बाइनरी को ऑक्टल, ऑक्टल को बेस 5, यानी इन बेसिस के म्यूचुअली किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो वो मैंने आपको पहले ही डायरेक्शन दे दी है कि जब 2 बेस 2 को बेस 5 में कन्वर्ट करना होगा तो ये डायरेक्ट आपने करो, आप बेस 2 को पहले 10 में करो और 10 को फिर 5 में करो, तो आपके बेस 2 के इक्विवेलेंट बेस 5 में आ जाएंगे। समझ आ गई बात? यू अगर आप 8 को 5 में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो 8 को 10 में करोगे और 10 को फिर 5 में करके बेस 8 के इक्विवेलेंट बेस 5 में करोगे। ये मैं आपको फ्यूचर लेक्चर्स की बात बता रहा हूं। आज का आपका लेक्चर था कि आपने बेस 5 के अंदर एडिशन, सबट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। होप आप लोगों की बात समझ आ गई होगी, एंड इंशाल्लाह वी सी इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल दीज थिंग्स अबाउट ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड देन वी गो फर्दर। होपफुली हम अगले दो लेक्चर्स में चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग एंड फॉर डूइंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय।